मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।